बार योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। इस बीच योग दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के जवान भी योग करते नजर आए। सेना के जवानों ने उत्तरी सीमा पर बर्फीली ऊंचाइयों पर पूर्वी लद्दाख में योग किया। साथ ही लेह के पेंगोंग त्सो में आईटीबीपी के जवानों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। 8 तस्वीरों के माध्यम से देखिए सेना के जवानों का योग संदेश। तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पेंगोंग त्सो में आईटीबीपी जवान योग करते हुए। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में पेंगोंग त्सो में आईटीबीपी जवान जो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जवानों का योग भी आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। बर्फीली ऊंचाइयों पर भी जवानों ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया और एक बड़ा संदेश दिया। और फिर सिक्किम में योग दिवस मनाया गया। किस तरह से जवानों के जरिए INS तेग पर योग दिवस मनाया गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जवान यहां पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों का भी योगाभ्यास आप देख सकते हैं 6ठी तस्वीर में। तो जवानों का योगाभ्यास किस तरह से रहा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, इन तस्वीरों के आप माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा संदेश इनके जरिए यहां पर दिया गया। देश की रक्षा करने के लिए अपने परिवारों से दूर रहते हैं ये जवान और वहां पर रहकर लोगों की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन उस बीच जब योग दिवस है तो इस दिन भी योगा करना वो नहीं भूले हैं, योगाभ्यास करना वो नहीं भूले हैं। इस दिन भी योगाभ्यास कर बाकी लोगों में एक बड़ा संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि योग को अपने जीवन का हर रोज का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिससे हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर एक व्यक्ति जो है उसमें बदलाव देखने को मिले, खुद ब खुद वो अपने आप में बदलाव देखे। क्योंकि जब 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई थी, तब से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो काफी बदलाव देश भर में देखने को मिला, लोगों की जिंदगियों में देखने को मिला और दुनिया भर में योग को लेकर बदलाव देखने को मिला है। निरंतर लोगों का रुझान भी इसमें बढ़ा है।